एक छात्र की अपील पर हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया। जी हाँ, हाई कोर्ट ने पूछ लिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी आखिर में कब से जरूरी माना गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटेट कब से अनिवार्य हुई है। कोर्ट ने याची और सरकारी वकील से पूर्व में निर्धारित नियमों विवरण बताने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है और अपील में एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए उन्हें वेतन देने का आदेश दिया गया था और इसी कारण से यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां तक फिर यूपीटेट तक पहुंचा कि आखिर में यूपीटेट कब से लागू किया गया। तो यहां पर बताया गया है कि एनसीटीई की ओर से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के बाद ये हुआ है कि शिक्षक अगस्त 2012 में नियुक्त किए गए। उस समय एनसीटीई की अधिसूचना पूरे देश में लागू होने के साथ प्रदेश सरकारों पर भी थोप दी गई थी, यानी कि बाध्य कर दी गई थी। इसलिए यूपी में भी उसी समय से अनिवार्य कर दिया गया था यूपी टेट पास होना। बतौर बिना पास इसके आप शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकते, इस कारण से इनकी नियुक्ति अवैध है। ये यहाँ पर चीजें हैं, तो ये सभी पर सवाल उठा है, यानी कि कुल मिलाकर शिक्षकों का मामला है। कुछ भर्तियाँ थी, ठीक है, जो कि 2013 के आसपास था, शासनादेश शिक्षकों की नियुक्ति का, उसी को लेकर ये चीजें हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्यता के लिए 8 अप्रैल 2013 को एक शासनादेश जारी किया गया था। याचिकों की नियुक्ति उसके पहले ही हो चुकी थी, यानी कि इस हिसाब से तो उनको यूपीटेट नहीं माना जाना चाहिए। तो इसी सब पर ये बवाल मचा हुआ है। फिलहाल जो इस पर आदेश होगा वो जल्द ही देखने को मिल जाएगा।